हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है 2023 के लिए, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल वीडियो, जिसमें कि वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ, SA यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MT यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट, इन तीनों ही पोस्ट के ऊपर अच्छे खासे नंबर ऑफ सीट पे वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में इन पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया, तीन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, MTS सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट। तीनों को कंबाइन करके ओवरऑल देखा जाए तो 677 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आई है। MTS के लिए 315 सीट है, SA एंड MT के लिए आपका जो टोटल है 362 सीट रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिंपली 10th पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इम्पॉर्टेंट डेट की, तो आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा 14 अक्टूबर से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 13 नवंबर 2023 रहने वाला है। फॉर्म की जो फी है, जनरल OBC एंड EWS के लिए रखा गया है 500 रुपीज़, SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट से लिया जाएगा 450 रुपीज़। अब रही बात कि आपका एज लिमिट क्या है, कब से आपका कैलकुलेट होगा, तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 13 नवंबर 2023। MTS की पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। SA एंड MT की पोस्ट के लिए मैक्सिमम 27 ईयर्स एज की लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन भी मिलता है यहाँ पे, OBC को 3 ईयर्स का एंड SC ST को मिलेगा 5 ईयर्स का। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज इन तीनों पोस्ट के लिए क्या क्या सीट रखा गया है। तो पहले हम लोग MTS के लिए देखेंगे, तो MTS की पोस्ट के लिए जनरल का है 183, EWS का 42, OBC का 65, SC का कोई सीट नहीं है, ST का है 25। अब जैसा आपको पहले भी पता है कि SA और MT का कंबाइन पोस्ट है, तो जनरल के लिए 221, EWS के लिए 17, OBC के लिए 60, SC कैंडिडेट्स के लिए 34 एंड ST का यहाँ पर 30 सीट्स रखा गया। तो कैटेगरी वाइज सीट्स आपने देख लिया, तो चलिए अब आगे देखते हैं सिलेक्शन की क्या प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाली है। योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर टू स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है Tier 1 पेपर, देन होता है Tier 2। तो चलिए हम लोग एग्जाम पैटर्न देखेंगे, पहले Tier 1 का, देन हम लोग देखेंगे Tier 2 के लिए। Tier 1 में फ्रेंड्स आपका 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, टाइम मिलता है आपको 1 आवर का, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा यहाँ पर, 1/4 का रहेगा यानी 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग हो गया। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको 20 मार्क्स के लिए होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। टीयर वन में मिनिमम क्या पासिंग मार्क्स होना चाहिए 100 नंबर के अंडर, तो आइए मैं बता देती हूँ। कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे, जनरल का 35 रहेगा मिनिमम, OBC का 34, EWS का 35 एंड SC ST का 33 मिनिमम पासिंग मार्क्स है। बट ये बस आपको बताया जाता है कि मिनिमम इतना आपका आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना स्कोर लाने पर आप उसका कट ऑफ पार कर पाओगे, कट ऑफ जितना हाई जाता है आपको उससे ज़्यादा स्कोर करना होगा। चलिए अब देखते हैं कि टीयर टू के लिए कितना गुना स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता है, तो जितना सीट है ना उसके 10 गुना स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं। अब रही बात कि आपका टीयर टू का क्या पैटर्न है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। MTS के लिए टीयर टू हो जाता है क्वालिफाइंग नेचर का, 50 मार्क्स का रहता है, 1 आवर में आपको कंप्लीट करना होता है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का। तो सब्जेक्ट में आप समझ गए होंगे कि डिस्क्रिप्टिव रहता है आपका, SA एंड जो भी प्रिसाइज राइटिंग वगैरह होती है उससे होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपको 20 रहता है।
एसएनएमटी की पोस्ट के लिए 50 मार्क्स का रहेगा, 1 आवर के लिए आपका ये कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपको मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। इसमें आपको जो मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है उसके लिए मोटर मैकेनिज्म कम ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू आपका यहाँ पर लिया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर भी 20 रखा गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों ही का पैटर्न समझ गए होंगे। तो इन दोनों को आप जब क्वालिफाई कर लोगे तो आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, तो किन किन स्टेट के लिए कहाँ कहाँ के लिए कितना सीट है ये देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए, जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या सैलरी मिलेगा, पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। MTS की पोस्ट के लिए लेवल 1 की सैलरी मिलती है 18,000 टू 56,900 रुपीज की आपको सैलरी मिलेगी। SANMT का लेवल 3 का रहता है यहाँ पर सैलरी 21,700 टू 69,100 आपकी सैलरी रहती है। अब ये सोचते हैं कि मतलब कि किसका किसका पोस्ट कैसे मेरिट में कैसे आपका बनेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। MTS के लिए आपका सिर्फ टीयर 1 का स्कोर आपका मेरिट डिसाइड करता है। SANMT के लिए टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों ही का यहाँ पर आपको स्कोर होता है। तो ये अच्छे से आई होप कि आप समझ गए होंगे, और मैंने जो कुछ भी डिटेल बताया अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सब पे मुझे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ना आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।